Hello everyone, let's take one more example for the conversion of the PDA to the CFG. यहाँ पे transitions given है और इसके हिसाब से हमें कुछ productions बनाने हैं, grammar productions बनाने हैं, और that grammar will be CFG. So आपको पता है कि जो grammar होता है, so that will contain variables, terminals, productions and the start symbol. Variables क्या होंगे हमें नहीं पता, लेकिन terminals आप देख सकते हैं कि आपके पास केवल A और B ही होगा. प्रोडक्शन आपको नहीं पता, आप अभी प्रोडक्शन बनाएंगे और स्टार्ट सिंबल एस ही होगा ऐसा हम अज्यूम करते हैं. तो सबसे पहले हम इसमें डिमार्केशन कर लेते हैं कि ये जो पहला प्रोडक्शन है उसमें क्या बताया जा रहा है कि क्यू जीरो मेरा करंट स्टेट है, ए मेरा इनपुट आया और जेड जीरो स्टैक का टॉप था, तो हमने ए जेड जीरो पुश कर दिया. तो ए जेड जीरो पुश करने का मतलब क्या है कि हम ए ही पुश करें, जेड जीरो टॉप तो है ही है, तो ये मेरा पुश स्टेटमेंट है या पुश मेरा ऑपरेशन डिफाइन कर रहा है. सिमिलरली जो सेकंड वाला है वो क्या कह रहा है कि क्यू जीरो करंट स्टेट है, ए मेरा इनपुट है और ए ही स्टैक का टॉप है, तो हम डबल ए को पुश कर दे रहे हैं. डबल ए को पुश करने का मतलब ए को ही पुश कर रहे हैं, ए तो करंट का टॉप है ही है, इसको हम कहेंगे पुश. सिमिलरली जो नेक्स्ट वाला है स्टेटमेंट ये कह रहा है कि क्यू जीरो बी ए, इसका मतलब है कि बी इनपुट आ रहा है और ए मेरा करंट टॉप ऑफ स्टैक है. इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम क्यू वन स्टेट में जा रहे हैं और एप्सिलॉन से रिप्लेस कर रहे हैं स्टैक के टॉप को, इसका मतलब है कि ये पॉप है. नेक्स्ट वाला स्टेटमेंट भी पॉप है क्योंकि करंट टॉप को एप्सिलॉन से रिप्लेस किया जा रहा है, सो दिस इज ऑल्सो पॉप. तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले रूल नंबर वन जो हमारा कहता है, रूल नंबर वन रूल है स्टार्ट सिंबल के लिए, तो इसके हिसाब से हम प्रोडक्शन बना लेते हैं. सो लेट्स से हमारे पास एस प्रोड्यूसेस, और चूंकि इसमें देख सकते हैं आपके दो स्टेट्स हैं क्यू जीरो और क्यू वन, सो दो ही स्टेट है तो दो प्रोडक्शन लिखे जाएंगे स्टार्ट सिंबल के लिए. सो वी राइटिंग क्यू जीरो स्टैक का टॉप जेड जीरो and q0, so this is the first production and then s produces q0 z0, this will remain same, I just have to change this q1, so this is these are the two productions, q0 will be the last and q1 will be the last in the second production. So let's number this, this is the production number one and this is the production number two. Iske baad hum rule number two ke hisab se productions likhenge aur rule number two mein push operation perform hota hai uske according hum likh rahe hain. सो पहला वाला हमने पुश ले लिया क्यू जीरो ए जेड जीरो प्रोड्यूसेस क्यू जीरो ए जेड जीरो, सो दिस इज द प्रोडक्शन दैट वी आर टेकिंग. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो स्टैक के टॉप पे दो सिंबल्स जा रहे हैं ए जेड जीरो, इसका मतलब है कि टोटल टू स्क्वायर मतलब चार प्रोडक्शन हमारे बनेंगे. सो इन चारों प्रोडक्शन को कैसे लिखा जाएगा, फर्स्ट विल बी थ्री एंड फोर एंड फाइव एंड सिक्स, तो ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में दो पार्ट्स होंगे, इनफैक्ट तीन पार्ट्स होंगे. और तीन पार्ट्स इसलिए होगा क्योंकि पहले दो सिंबल्स हैं ए जेड जीरो, तो दो पार्ट उसके लिए हो गया और एक पार्ट और होगा वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे प्रोडक्शंस बनेंगे. ये क्यू जीरो यहीं पे रहेगा एंड देन ये जो जेड जीरो है वो यहाँ आ जाएगा और बाकी बाद में डिसाइड करते हैं. ये जो ए है वो हमारा थर्ड पार्ट बनेगा जैसा मैं अभी बात आपको बता रहा था, तो यहाँ पे स्मॉल ए आ जाएगा एंड देन ये जो क्यू जीरो है वो यहाँ पे आएगा. ए और जेड जीरो दो पार्ट्स हैं इसमें, तो ए मिड पार्ट में यहाँ के और जेड जीरो मिड पार्ट में यहाँ के, सो एक पार्ट ए के लिए और दूसरा पार्ट जेड जीरो के लिए. इसी तरह से एक और जो प्रोडक्शन बनेगा उसमें भी कुछ कुछ ऐसी ही चीजें होंगी. आइए सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं क्यू जीरो जेड जीरो. क्यू जीरो जेड जीरो विल बी कॉमन फॉर ऑल द प्रोडक्शंस. इसके बाद चूंकि दो ही स्टेट्स हैं तो इसके हम दो बार इसके रेपिटेशन लिख लेते हैं क्यू जीरो एंड क्यू वन क्यू वन. राइट पार्ट ए से ही स्टार्ट होगा सारे प्रोडक्शन का, सभी प्रोडक्शन के मिड वाले पार्ट में ए और जेड जीरो ही होगा, यहाँ पे ए और यहाँ पे जेड जीरो. सभी प्रोडक्शन के पहला स्टार्टिंग वाला जो पार्ट है वो क्यू जीरो ही होगा. ये जो क्यू जीरो हमने यहाँ से पिक किया वो सभी के स्टार्ट पार्ट में होगा. नाउ आपको जो सेकंड वाला पार्ट है उसमें लास्ट में वही होगा जो लेफ्ट हैंड साइड के लास्ट में लिखा है क्यू जीरो क्यू जीरो क्यू वन क्यू वन, तो यहाँ पे भी हम ये लिखेंगे क्यू जीरो क्यू जीरो क्यू वन एंड क्यू वन. ओके बाकी पार्ट कैसे लिखा जाएगा, बीच वाला पार्ट वही, सॉरी जो सेकेंड वाला पार्ट है उसमें लास्ट एलिमेंट क्यू जीरो और यहाँ पे भी क्यू जीरो, सेम रिपीट हो रहे हैं ये एलिमेंट्स. सिमिलरली यहाँ पे क्यू वन और यहाँ पे भी क्यू वन, फिर यहाँ पे क्यू जीरो यहाँ पे क्यू जीरो,
यहाँ पे Q1 और यहाँ पे भी Q1, तो ये रिपीट हो रहे हैं। फाइन, कॉमा लगा दीजिएगा सबके बीच में। सो पुश ऑपरेशन के कोरिस्पॉन्डिंग हम लोगों ने प्रोडक्शंस लिख दिए हैं। नाउ एक और पुश ऑपरेशन है, उसके कोरिस्पॉन्डिंग भी प्रोडक्शन लिख देते हैं। सो जो नेक्स्ट पुश ऑपरेशन है दैट इज Q0 कॉमा ए कॉमा ए। नाउ दिस एक्चुअली इक्वल्स टू Q0 एंड ए ए, दैट इज क्लियरली। सो Q0 ए ए, फाइन। एक छोटी सी गलती है, इसको इग्नोर कीजिएगा, ये प्रोडक्शन नहीं है बल्कि ये इक्वल टू का शिफ्ट साइन है। ओके, सो यहाँ पे भी ये इक्वल टू का साइन है, यहाँ पे भी ये इक्वल टू का साइन। सो इसके करस्पॉन्डिंग हम लोग प्रोडक्शन लिखते हैं। सो चूंकि दो सिंबल्स हैं स्टैक के टॉप पे डबल ए, सो इस केस में टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्शन जो लिखे जाएंगे वो चार होंगे, जैसे कि हमने पिछले वाले में भी बनाया। सो दो सिंबल्स डबल ए, इसका मतलब टू स्क्वायर, मतलब चार प्रोडक्शन इस केस में होंगे। सो जो पहला प्रोडक्शन है उसका लेफ्ट साइड, दूसरे का लेफ्ट साइड, इसी तरह से चारों का लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड में तीन पार्ट्स होंगे। पहला पार्ट कोई एक सिंबल होगा और दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट, पहला पार्ट कोई सिंबल होगा, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट। क्यों तीन पार्ट्स होंगे इस केस में? क्योंकि हमारे पास स्टैक के टॉप पे दो सिंबल्स जा रहे हैं। तो स्टैक के टॉप पे ए ए जा रहा है, तो ए पार्ट इधर और ए पार्ट इधर, ए पार्ट इधर, ए पार्ट इधर, ए पार्ट इधर और ए पार्ट इधर, ए पार्ट इधर और ए पार्ट इधर। और डिसाइड करते हैं और एलिमेंट्स क्या होंगे। ये जो Q0 है वो सभी लेफ्ट हैंड साइड में पहला एलिमेंट होगा, कॉमा ये जो ए है वो बीच में आ जाएगा, ए ए ए और ए। ये जो बीच वाला ए है वो सभी प्रोडक्शंस का पहला सिंबल बनेगा, ए ए ए और ए। ये जो Q0 है वो सभी राइट हैंड साइड का पहला एलिमेंट बनेगा, Q0 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 Q0। नाउ जो कि दो ही स्टेट है, तो यहाँ पे Q0 Q0 एंड देन Q1 Q1। सिमिलरली यही सेम चीज रिपीट होगा एंड में, सो Q0 Q0 एंड Q1 Q1। फाइन, इसके बाद बीच वाले पार्ट में Q0 और यहाँ रिपीट Q0, फिर यहाँ रिपीट Q1 और यहाँ पे भी रिपीट Q1, यहाँ रिपीट Q0, यहाँ पे भी रिपीट Q0, यहाँ पे Q1 एंड यहाँ पे भी रिपीट Q1। सो इस तरह से ये रेपिटेशन हो गए, तो हमने प्रोडक्शंस लिख दिए हैं कॉरेस्पॉन्डिंग टू पुश ऑपरेशंस। अब आइए पॉप ऑपरेशंस के अकॉर्डिंग हम प्रोडक्शंस लिखते हैं। तो ये रूल 3 के हिसाब से लिखा जाएगा, तो ये देखते हैं कि सबसे पहला कैसे लिखा जाएगा। देखते हैं राइट इन द डिफरेंट कलर। सो पहला प्रोडक्शन है दिस वन, ये कह रहा है Q0 B A इज इक्वल टू Q1 एप्सिलॉन। ओके, सो रूल के हिसाब से कैसा प्रोडक्शन लिखा जाएगा? केवल एक ही प्रोडक्शन बनेगा, लेट से ये जो प्रोडक्शन नंबर है वो 11 है। सो प्रोडक्शन कैसे बनेगा? Q0 ये हमने ऐसे लिखा, एंड देन ये जो A है हम बीच में लेके आए, और ये जो Q1 है हम इसको यहाँ लेके आए। सो दिस इज इक्वल्स टू दिस पार्ट B, सो दिस इज फर्स्ट प्रोडक्शन। फिर इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एक और पॉप ऑपरेशन है, सो दिस इज Q1 B A एंड दिस इज इक्वल्स टू Q1 एप्सिलॉन। बिल्कुल इसी तरह से ये भी लिखा जाएगा, द 12 नंबर प्रोडक्शन। सो दिस विल बी Q1, ये वाला एलिमेंट, लास्ट वाला एलिमेंट A, और ये Q1 भी यहाँ पे लिखा जाएगा। सो दिस इज इक्वल्स टू दिस B विल कम हियर। सो दिस इज द 12th नंबर प्रोडक्शन। इसके बाद वी हैव अनदर पॉप ऑपरेशन, सो दिस इज Q1 एप्सिलॉन Z0 इज इक्वल टू Q1 एंड एप्सिलॉन। सो ये देखते हैं इसको कैसे लिखा जाएगा। सो दिस विल बी फर्स्ट दिस Q1, देन Z0 दिस पार्ट, एंड देन दिस Q1 एंड दिस इज इक्वल टू दिस एप्सिलॉन। सो दिस इज द प्रोडक्शन नंबर 13। सो वी हैव रिटन ऑल द प्रोडक्शन। अब इन्हीं प्रोडक्शंस को हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। ये थोड़े से वेग दिख रहे हैं, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। आप देख लें कि जितने भी प्रोडक्शंस हमने बनाए हैं उन सभी प्रोडक्शंस में बीच में या तो ए है या तो Z0 है, और चूंकि दो ही स्टेट्स हैं Q0 और Q1, तो इनके चार कॉम्बिनेशन या चार डिफरेंट कॉम्बिनेशन हमारे पॉसिबल होंगे।
इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग कुछ शॉर्टकट्स बनाते हैं। सो लेट्स से हमने ये कहा कि क्यू जीरो स्टेट और क्यू जीरो स्टेट, ओके। सो सिमिलरली क्यू जीरो क्यू वन, बाइनरी के कितने पॉसिबिलिटीज हैं, दो डिजिट से या दो बिट से, 0 1 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। सिमिलरली हम लिख रहे हैं क्यू जीरो क्यू वन एंड देन क्यू वन क्यू जीरो एंड क्यू वन क्यू वन, फाइन। सो लेट्स से इसमें बीच में है जेड जीरो, दो ही सिंबल्स होंगे, या तो जेड जीरो होगा या तो ए होगा। सो लेट्स से ये रिप्रेजेंट करता है ए, ये रिप्रेजेंट करता है बी, ये रिप्रेजेंट करता है सी और ये रिप्रेजेंट करता है डी। यही चार कॉम्बिनेशन हम यही सेम चार कॉम्बिनेशन स्मॉल ए के लिए बना लेते हैं। सो क्यू जीरो क्यू जीरो एंड देन क्यू जीरो क्यू वन एंड देन क्यू वन एंड क्यू जीरो एंड देन क्यू वन एंड क्यू वन, बीच में ए लगा दीजिए। सो लेट्स से दिस रिप्रेजेंट्स ई, दिस रिप्रेजेंट्स एफ एंड दिस रिप्रेजेंट्स जी एंड दिस रिप्रेजेंट्स एच। सो ये जो हमने फॉर्म किए हैं इसी के हिसाब से जो तो प्रोडक्शन हमें मिले उन प्रोडक्शन को हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, उसको शॉर्टकट्स के हिसाब से ही लिख लेते हैं। तो जैसे प्रोडक्शन नंबर वन देखते हैं, तो प्रोडक्शन नंबर वन क्या कह रहा है कि एस प्रोड्यूसेस क्यू जीरो जेड जीरो क्यू जीरो। सो कैन वी से दैट दिस इज एस प्रोड्यूसेस ए वाई ए बिकॉज ए इज क्यू जीरो जेड जीरो क्यू जीरो। सिमिलरली जो दूसरा प्रोडक्शन है वो क्यू जीरो जेड जीरो क्यू वन है। सो कैन वी से दैट दिस इज एस प्रोड्यूसेस बी, क्योंकि जो राइट वाला पार्ट है वो बी को रिप्रेजेंट करता है। सो दो प्रोडक्शन हमें इस तरह के मिले। एक रैंडम प्रोडक्शन और मिलते हैं, लेट से ये जो 10 नंबर है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्यू जीरो ए क्यू वन। सो क्यू जीरो ए क्यू वन इज एफ और दिस प्रोड्यूसर्स, ये जो इक्वल है इसको इक्वल मत मानिएगा, दिस इज प्रोडक्शन। सो जहां जहां पे भी हमने इक्वल लगाया है उसको आपको प्रोडक्शन या प्रोड्यूस बाई वाला सिंबल लगा दीजिए। सो दिस इज दिस, सो जहां जहां हमने इक्वल लगाया उसको आप ये मानिएगा। सो नाउ दिस वी कम टू द 10 नंबर प्रोडक्शन। सो 10 नंबर प्रोडक्शन इज क्यू जीरो ए क्यू वन, सो कैन वी कैन से दैट दिस इज एफ क्यू जीरो ए क्यू वन। सो दिस प्रोड्यूसेस स्मॉल ए एंड देन क्यू जीरो ए क्यू वन अगेन। सो क्यू जीरो ए क्यू वन इज एफ इटसेल्फ और लास्ट वाला पार्ट है क्यू वन ए क्यू वन। सो क्यू वन ए क्यू वन रिप्रेजेंट्स एच, सो एफ प्रोड्यूसेस ए एफ एच। इसी तरह से जितने भी प्रोडक्शन हम लोगों ने लिखे हैं उनको सिंप्लीफाइड वर्जन में लिख लेते हैं। आइए इसकी लिस्टिंग कर लेते हैं। तो जो हमारे प्रोडक्शंस हैं दो हजार, पहला प्रोडक्शन एस प्रोड्यूसेस ए, दूसरा प्रोडक्शन एस प्रोड्यूसेस बी, तीसरा प्रोडक्शन जो भी हमने नंबरिंग लिखी उसी के हिसाब से हम यहाँ प्रोडक्शन लिखते हैं, ए प्रोड्यूसेस ए ई ए। मैंने इसको पहले से बना के रखा है, आप भी इसको अपने कॉपी पे वीडियो को पॉज कर करके बना सकते हैं, देन आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं कि आपने ये प्रोडक्शन सही बनाया या नहीं। सो बी प्रोड्यूसेस स्मॉल ए ई बी, सिक्स नंबर बी प्रोड्यूसेस स्मॉल ए एफ डी, देन सेवन नंबर ई प्रोड्यूसेस स्मॉल ए ई ई, देन एट नंबर ई प्रोड्यूसेस ए एफ जी, नाइन नंबर एफ प्रोड्यूसेस स्मॉल ए एफ एच, देन 10 नंबर एफ प्रोड्यूसेस ए एफ एच। अभी अभी हम लोगों ने इसी को निकाला था, 9 नंबर इज ए ई एफ, सॉरी, सो 9 नंबर इज ए ई एफ। तीन और प्रोडक्शन हमारे पास है उनको भी लिस्ट आउट कर लेते हैं। सो 11 नंबर प्रोडक्शन इज एफ प्रोड्यूसेस बी, 12 नंबर प्रोडक्शन इज एच प्रोड्यूसेस बी एंड 13 नंबर प्रोडक्शन इज डी प्रोड्यूसेस एच राम। सो ये हमारे प्रोडक्शन हो गए। सेम सिंबल से जनरेट होने वाले जो प्रोडक्शन है उनको कंबाइन कर लेते हैं। सो लेट्स से एस प्रोड्यूसेस ए ऑब्लिक बी, सेकेंड हमने नोट किया ए से, और दो प्रोडक्शन से इसे स्टार्ट होने वाले, सो ए ई ए एंड ए एफ सी। सिमिलरली बी प्रोड्यूसेस स्मॉल ए ई बी ऑब्लिक ए एफ डी, फोर्थ नंबर प्रोडक्शन ई से स्टार्ट होने वाले प्रोडक्शन लिखते हैं, सो ई प्रोड्यूसेस ए ई ई एंड ए एफ जी। एफ से स्टार्ट होने वाले प्रोडक्शन को लिखते हैं, सो दिस इज ए ई एफ ऑब्लिक ए एफ एच एंड ऑब्लिक बी। सिक्स नंबर प्रोडक्शन लिखते हैं एच प्रोड्यूसेस बी एंड सेवन नंबर प्रोडक्शन लिखते हैं डी प्रोड्यूसेस
एप्सिलॉन। अब ये जो हमने प्रोडक्शंस लिखे हैं, इसके हिसाब से हम ये देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे प्रोडक्शंस हैं जो हमारे काम के हैं और जो कौन कौन से ऐसे प्रोडक्शंस हैं जो हमारे काम के नहीं है। तो सबसे पहले हम यूजलेस सिंबल को इसमें से हटा देते हैं। तो यूजलेस सिंबल को कैसे हटाएंगे, हम इसमें से आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन से ऐसे प्रोडक्शन हैं जो कि नॉन जनरेटिंग है। तो नॉन जनरेटिंग सिंबल्स वो होंगे जिनसे कोई भी टर्मिनल सिंबल जनरेट नहीं होगा। सो आप तो देख सकते हैं कि सिंबल डी जो है उससे आप एप्सिलॉन जनरेट कर सकते हैं, इसका मतलब सिंबल डी क्या है, प्रोडक्ट ये जनरेटिंग सिंबल है। सिंबल एच से आप बी जनरेट कर सकते हैं, इसका मतलब ये भी जनरेटिंग सिंबल है। सिंबल एफ से आप जनरेट कर सकते हैं बी डायरेक्टली, सो इसका मतलब ये भी जनरेटिंग सिंबल है। सिंबल बी से आप क्या जनरेट कर सकते हैं, बी से आप ए एफ डी जनरेट कर सकते हैं, बी प्रोड्यूसेस ए एफ डी। क्योंकि एफ भी जनरेटिंग है और डी भी जनरेटिंग, इसका मतलब बी भी जनरेटिंग हो गया। ओके अच्छा, अब देखते हैं कि कौन कौन से नॉन जनरेटिंग है। सिंबल सी से स्टार्ट होने वाला कोई प्रोडक्शन मेरे पास है ही नहीं, तो ये नॉन जनरेटिंग हो गया। सिंबल जी से स्टार्ट होने वाला भी कोई भी प्रोडक्शन नहीं है, क्योंकि सिंबल जी का कोई प्रोडक्शन है ही नहीं, तो ये हमारा नॉन जनरेटिंग हो गया। इसके बाद ई जो है वो क्या प्रोड्यूस करता है, ई प्रोड्यूस करता है ए ई ई, और या तो ये प्रोड्यूस करता है ए एफ जी। अभी भी हम लोगों ने प्रूव किया कि जी नॉन जनरेटिंग है। एफ भले ही जनरेटिंग है लेकिन जी नॉन जनरेटिंग है, इसलिए ई जो है कोई भी टर्मिनल सिंबल जनरेट नहीं करेगा। ए ई प्रोड्यूसेस ए ई में यहाँ पे रिकर्सिवली ई को कॉल किया जा रहा है, ये भी नॉन जनरेटिंग होगा। तो ई भी मेरा नॉन जनरेटिंग प्रूफ हो गया। इसके बाद सिंबल ए के बारे में देखते हैं। तो ए प्रोड्यूसेस स्मॉल ए ई ए, या फिर ए प्रोड्यूसेस ए एफ सी। तो जो ई है वो नॉन जनरेटिंग होगा, ये हमने ऑलरेडी प्रूफ कर दिया है। ए रिकर्सिवली अपने आप को जनरेट कर रहा है, तो यहाँ से ऐसा दिख रहा है कि ए भी नॉन जनरेटिंग होगा। दूसरे वाले प्रोडक्शन से ए प्रोड्यूसेस ए एफ सी, एफ तो जनरेटिंग है लेकिन सी नॉन जनरेटिंग है, तो ये भी नॉन जनरेटिंग हो गया। तो ए हमारा नॉन जनरेटिंग सिंबल हो गया। तो जितने भी ऐसे प्रोडक्शन हैं जो कि सी जी ई ए से स्टार्ट होते हैं, इनको हटा दीजिए, और साथ ही साथ उन प्रोडक्शन को भी हटा दीजिए जो जिनमें ये कंटेन करते हैं। तो किसको हटा रहे हैं, ए से स्टार्ट होने वाले सारे प्रोडक्शन, तो हटा दीजिए इसको। ई से स्टार्ट होने वाले सारे प्रोडक्शन, इसको हटा दीजिए। ओके सो पहला प्रोडक्शन एस प्रोड्यूसेस स्मॉल बी, ए को हम हटा देंगे। अच्छा, एस बी जनरेटिंग सिंबल होगा क्योंकि एस बी को जनरेट करता है और बी मेरा जनरेटिंग है, इसलिए ये हम रखेंगे। दूसरा प्रोडक्शन बी से स्टार्ट होने वाला, तो बी से स्टार्ट होने वाला हम केवल वही प्रोडक्शन रखेंगे जिसमें जिसमें सी जी ई ए ना हो। तो एक प्रोडक्शन में ई है, हम उसको हटा देते हैं। सो बी प्रोड्यूसेस ए एफ डी, ये जो बी प्रोड्यूसेस ए ई बी है, इसको हटा देंगे। सिमिलरली एफ में जो प्रोडक्शन है जिसमें ई आता है, उसको हटा देंगे। हम केवल दूसरा वाला प्रोडक्शन रखेंगे। सो एफ प्रोड्यूसेस ए एफ एच, और बी तो है ही। चौथा जो वैलिड प्रोडक्शन है वो एच प्रोड्यूसेस स्मॉल बी है, और नेक्स्ट जो वैलिड प्रोडक्शन है वो बी प्रोड्यूसेस एप्सिलॉन है। सो दिस इज दी सिंप्लीफाइड ग्रामर, एंड वी कैन सॉल्व एनी क्वेश्चंस लाइक दिस। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन द एकेटीयू एग्जामिनेशंस, एंड यू कैन यूटिलाइज दिस कॉन्सेप्ट्स इन एनी अदर क्वेश्चन व्हिच इज आस्क्ड इन द यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशंस। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।